नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। लखीमपुर खीरी हिंसा केस की चर्चा एक बार फिर सियासी गलियारों में हो रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। हंगामे के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उनके नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा संकेत है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी धर्मप्रायणता के चश्मे और धार्मिक पोशाक पहनने से ये तथ्य नहीं बदलेगा कि आप एक अपराधी की रक्षा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में लिखा है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के हिसाब से आरोप तय होने चाहिए। इससे पहले बुधवार को प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट किया था और ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करके लिखा था कि हैशटैग अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो। प्रियंका गांधी ने जिस वीडियो को टैग किया था वो वीडियो था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बदसलूकी का। आप भी देखिए वो वीडियो। एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना है, मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, आइए। जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया तो बंद करो। चलो सुबह मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामक रुख का संकेत दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा मचा है और माना जा रहा है कि यूपी चुनाव तक विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठाएगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया।